पहली बार हो रहा है जब कुंभ के दौरान सरकार अकेले 20,000 से अधिक श्रद्धालु जनों के रहने की व्यवस्था कुंभ क्षेत्र में करने जा रही है। सरकार के स्तर पर जो विभिन्न आश्रमों के अखाड़ों के अपने पंडाल लग रहे हैं उसमें तो अलग व्यवस्था उनकी होती है। एक एक गतिविधि पर नज़र रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की स्थापना पहली बार देश के अंदर और कुंभ के आयोजन पर यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसको भी यूपी पुलिस ने कुंभ मेला प्राधिकरण के साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के उसको भी प्रधानमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया है। तो अपने आप हम लोगों ने इस बार ये भी निर्णय लिया है कि कुंभ के इस आयोजन को जो 6 प्रमुख स्नान होंगे निगरानी के साथ साथ सुरक्षा की निगरानी के साथ साथ पुष्प वर्षा भी हम इस अवसर पर कुंभ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से करवाने की विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं। निगरानी के साथ साथ वह पुष्प वर्षा श्रद्धालुजनों की आस्था का सम्मान करने के लिए होगा और कुछ चीज़ों पर हम लोगों ने व्यवस्था दी है। हमारा प्रयास है कि मुख्य स्नान के एक दिन पहले और एक दिन बाद और मुख्य स्नान के दिन कोई भी वीवीआईपी कार्यक्रम में यहाँ पर प्रयागराज में ना आए, उससे 2 दिन पहले उसके 2 दिन बाद ये सारे आयोजन और उसमें सभी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। आयोजन यानी मुख्य स्नान और उसके एक दिन पहले एक दिन बाद किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल से हम लोगों ने कुंभ को फ्री किया है कि कोई भी प्रोटोकॉल इस दौरान लागू नहीं होगा।